हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम यहाँ पर 7:15 हो गया है और बच्चे वगैरह देख सकते हैं आप, सब उठ के बैठे हुए हैं, खेलने में लगे पड़े हैं वो अभी। तो अभी इनको रेडी करना है मेरे को। तो आज हस्बैंड घर पर है तो फिर वो बोलने लगे कि क्या बोलते हैं, कुछ भी कुकिंग मत करो। तो आज हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट बाहर करने जाएंगे। तो अभी हम ऐसे ही 8:15 पे निकलेंगे यहाँ से। तो मैं अब बच्चों को रेडी कर लेती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके घर आ गए थे, फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, डेलगोना कॉफ़ी की रेसिपी, जो आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल चल रही है। हर जगह आजकल उसका रेसिपी वीडियो वगैरह आ रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून रेगुलर कॉफ़ी, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है। उसके साथ मैं यहाँ पर 3 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। तो कॉफ़ी का और क्वांटिटी और शुगर का क्वांटिटी आप किसी हिसाब से लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो ज़्यादा कॉफ़ी डालिएगा, माइल्ड पीते हैं तो बिल्कुल कम डालिएगा। मतलब उसी हिसाब से आप एडजस्ट करिएगा, शुगर का भी क्वांटिटी वैसी एडजस्ट करिएगा। अब इसमें आप 2 टेबलस्पून पानी डालिएगा, तो ये रूम टेम्परेचर पानी है। और दूसरी बात, पानी का क्वांटिटी ध्यान से डालिएगा, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो जब हम ये जो कॉफ़ी का जो ये मिक्सचर है इसको बीट करेंगे तो ये क्रीमी फॉर्म में आएगा, और अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो वो टेक्सचर ही नहीं आएगा। तो पानी देखकर डालिएगा इसको। अब या तो आप इसको हाथ से ब्लेंड कर सकते हैं, हाथ से मिक्स करिएगा, 10 मिनट आपको मिक्स करना होगा। पर यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ तो इसलिए मैंने वो जो मिक्सचर है पूरा अपना मिक्सी के छोटे जार में डाल दिया है। पूरा आप इसमें डाल दिएगा और पानी की क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा है तो अगर आप ब्लेंडर ऑन करेंगे तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैसे पानी का कितना क्वांटिटी डाला है। तो अगर आप हाथ से बीट करेंगे तो इसको 10 मिनट या 11-12 मिनट इतना ही लगेगा, इससे 10 मिनट से नीचे नहीं लगेगा आपको। पर मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ब्लेंडर का यूज़ किया है। तो अब मैं इसको 2 मिनट के लिए नॉर्मल स्पीड, जो हमारा फर्स्ट जो स्पीड होता है फर्स्ट पॉइंट, उस पे ही मैं 2 मिनट के लिए मिक्स करूँगी। तो आप देख सकते हैं अब 2 मिनट के बाद ये ऐसा क्रीमी फॉर्म में हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं अपने नॉर्मल जग में निकाल लूँगी। अब देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्स्चर आया इसका, जस्ट 2 मिनट्स भी नहीं लगा मेरे को इसको इतने टेक्स्चर में लेकर आने के लिए। तो अगर आप हाथ से करेंगे तो इस टेक्स्चर को आने में 5 मिनट लग जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा वो टाइम बचाने के लिए, देख सकते हैं 2 मिनट में ऐसा टेक्स्चर आया है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो गया है। मैंने बस चलाया और इसका ऐसा कंसिस्टेंसी आया है। तो अब इसको हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। तो इसको हमें अब 5 मिनट कंटिन्यूस मिक्स करना है और ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। तो तब तक आपको मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं, उससे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी 5 मिनट हो गया है मेरे को ये कॉफ़ी को बीट करते हुए, और 5 मिनट में इसका कंसिस्टेंसी देखिए, मैं अगर जग को उल्टा करूँगी तो वो गिरेगा नहीं, वो है इसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी, बिल्कुल क्रीम में हो गया है, क्रीम फॉर्म में। और इसका कलर भी आप देखिए बिल्कुल लाइट हो गया है, हमने कैसा डार्क कलर लिया था कॉफ़ी का, और अब आप देखिए 5 मिनट के बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो अब हम एक ग्लास लेंगे, तो जिस ग्लास में भी आप सर्व कर रहे हैं वो ग्लास लीजिएगा और उसमें आइस क्यूब्स डालिएगा। तो मैं यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने आइस यूज़ किया है, आइस ऑप्शनल है, आप उसकी जगह बिल्कुल चिल्ड दूध भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ जो वो भी बिल्कुल चिल्ड है, और दूध आपको ग्लास का 3/4 पोर्शन तक ही लेना है। तो दूध आप पूरा ग्लास में भर के मत लिएगा, सिर्फ 3/4 पोर्शन ही लिएगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर अपना जो बीट किया हुआ कॉफ़ी है वो डालना है। तो आप, मैं यहाँ पर कॉफ़ी का जो मैंने मिक्स रेडी किया है वो उसके ऊपर डाल रही हूँ। तो आप आइस वगैरह ऑप्शनल है, आइस वगैरह अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर मैं ये कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने आइस वगैरह ऐड किया है इसमें, और आइस वगैरह डाल के और भी टेस्टी लगता है ये। तो देखिए मैंने पूरा जो कॉफ़ी का मिक्स है वो उसके ऊपर
ऐसे स्प्रेड कर दिया है और फिर बाकी आप स्पून से उसको लेवल कर लिएगा। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम के स्कूप जैसे हम लोग रखते हैं वैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर अभी डेलगोना कॉफ़ी रेडी हो गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि वो कॉफ़ी बिल्कुल भी दूध में मिक्स नहीं हुआ है, वो ऊपर लेयर की तरह पड़ा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है देखिए, और पीने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप सब लोग ये ट्राई करके देखिएगा, ये रेसिपी आप सबको पसंद भी आएगा। तो ये है हमारा डेलगोना कॉफी, बिल्कुल चिल्ड पड़ा हुआ है ये अभी, और आइस मैंने डाला है, तो ये आइस ऑप्शनल है। तो ये मैंने एक्चुअली सही बोला तो मैं अभी कुछ दिनों से मैं यूट्यूब देख रही थी, तो मेरे को ये कॉफी का बहुत सारा वीडियोस आ रहा था, पर जब मैंने इसका रेसिपी देखा तो ये बहुत कॉमन एक रेसिपी है कि ये मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, बट मैं जब छोटी थी तब मैंने बहुत बार ट्राई किया है ये कॉफ़ी, बट मेरे को नाम नहीं पता था कि इसको डेलगोना कॉफ़ी बोलते हैं। तो मैंने एक्चुअली ये हस्बैंड को बना के पिलाया, तो उनको मैंने गरम कॉफ़ी में करके बना कर पिलाया था। तो आज मैंने ये चिल्ड बनाया है, तो मैं इसको मिक्स करके आपको बताती हूँ। तो ये बिल्कुल ऊपर जो है बिल्कुल लेयर, एक क्रीमी लेयर है ये, क्या कहना चाहिए, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो कॉफ़ी है वो दूध में मिक्स नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं दूध प्लेन ऐसे ही पड़ा हुआ है और कॉफ़ी ये है। तो हमें इसे हल्का सा मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स मत करिएगा इसे दूध में, हल्का सा मिक्स करेंगे और जब आप पियेंगे तो एक क्रीमी टेस्ट आएगा आपको, बहुत अच्छा है। मैं उसको मिक्स करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, हल्का से इसको बस ऐसे मिक्स करना है, ज्यादा मिक्स नहीं करना है वरना फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाइएगा कॉफी, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम आप देख सकते हैं हम कितना सारा इसमें कॉफी का जो ये क्रीमी टेक्सचर है वो डाल रहे हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाइएगा इसको। तो मैं अब आपको पी का बताती हूँ कैसा है ये, अच्छा फ्लेवर है और ये चिल्ड है तो इसलिए और भी अच्छा लग रहा है ये। सुपर, बहुत अच्छा लग रहा है पीने में, वो क्रीम मुंह में आ रहा है ना, बहुत अच्छा है इधर, और चिल्ड है तो इसलिए और भी अच्छा लग रहा है पीने में। आप सब लोग ये ट्राई करके देखिएगा, आप सबको पसंद आएगा, अच्छा है कॉफी है। बट यस, अगर आप हैंड स्पून से इसको मिक्स करेंगे तो आपको एग्जैक्ट 10 मिनट्स या फिर उससे ज़्यादा ही लगेगा, 10 मिनट्स से नीचे आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूस उसको बीट करते जाना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैंने इसको 2 मिनट मैंने इसको मिक्सी, हमारा जो छोटा जार होता है ग्राइंडर उसमें मैंने चलाया है, पर आपको पानी का ध्यान देना है, पानी ज़्यादा डल गया तो फिर ये कंसिस्टेंसी जो क्रीमी कंसिस्टेंसी है ना वो कभी नहीं आएगा आपको, तो पानी का ध्यान देना है। और मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट अपने नॉर्मल ग्राइंडर जो होता है हमारा उसमें चलाया तो ये क्रीमी फॉर्म में आ गया, तो वहाँ पर मैंने वो 5 मिनट इसके बचा लिए। उसके बाद मैंने 5 मिनट इसको हैंड विस्क किया है, स्पून से, नॉर्मल स्पून से इसको मैंने चलाया है, तो ऐसा कंसिस्टेंसी आया है। आप चाहें तो जो हमारा इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो होता है, इलेक्ट्रिक मिक्सर जो होता है वो यूज़ करेंगे, वो परफेक्ट है। मैंने अभी स्पून से करके दिखाया है ये आपको, तो मेरे को स्पून से मैंने हाफ इसका अपने ग्राइंडर में यूज़ किया है, हाफ मैंने इसे ग्राइंडर में मिक्स किया है और मैंने हाफ इसे हाथ से मिक्स किया, तो हाथ से मिक्स करने में मेरे को 5 मिनट लगा और ग्राइंडर में मेरे 2 मिनट, तो कुल 7 मिनट्स में मैंने ये पूरा ऐसा क्रीमी टेक्सचर बनाया। तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा, Awesome, बहुत बढ़िया है।
तो सब लोग ट्राई करके देखिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो ज़रूर एक लाइक तो दे ही दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। यू ड्रिंक इट, इट्स वेरी टेस्टी, यू नो, जस्ट ट्राई इट, इट्स लाइक चॉकलेट, इट्स गुड। टाइम अभी 12 बज रहा है, तो घर वगैरह मैंने फिर आके क्लीन किया, थोड़े कपड़े थे वो फोल्ड करके डाले, थोड़े कपड़े बाहर डालने को थे सूखने के लिए, तो मतलब वो सब जो किचन का नॉर्मल काम रहता है वो सब कंप्लीट किया। तो अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर टाइम अभी 12 बज रहा है, और जैसे मैंने आपसे बोला था सुबह कि आज स्पेशल क्या है कि मेरे हस्बैंड आज घर पर हैं, तो लोग यहाँ दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो काम करना शुरू कर लेती हूँ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव और छोले की सब्जी। तो आज का मेन्यू ये रहेगा। तो यहाँ पर अब मैंने दोपहर के खाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो मैं पहले अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सब करने के बाद मैं सोचा थोड़ा ग्रीन टी वगैरह पी लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर चावल वगैरह सब भिगो के रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 कप भर के बासमती राइस ले रही हूँ। तो मैं डेली यूज़ में बासमती राइस ही यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पर लुलू का सुपीरियर बासमती राइस यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा बासमती राइस है ये। तो आप कोई सा भी ब्रांड का बासमती राइस लेंगे, आप आधा घंटा एटलीस्ट उसको वॉश करके सोक करिएगा, तभी वो करेक्ट और परफेक्ट तरीके से कुक होकर आएंगे। अगर आप बासमती राइस अगर आप सोक नहीं करेंगे तो उनका जो एक्चुअल शेप होता है ना राइस का, वो नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिए आधा घंटा उसे वॉश करके, और अच्छी तरह वॉश करने के बाद ही आप इसको सोक करिएगा। सोक करने के बाद आप इसको वॉश मत करिएगा, क्योंकि बासमती राइस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी उसमें रफली हैंडल करेंगे तो वो उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं छोले धो रही हूँ। तो रात में मैंने यहाँ पर 1 कप छोले भिगो के रख दिए थे। अगर आप रात में छोले भिगोना भूल जाते हैं तो आप सुबह उठ के उसको जस्ट 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिएगा, फिर गैस ऑफ करके वो बर्तन को ढक के रख दिएगा 2 घंटे के लिए। तो जैसे ओवरनाइट सोख होकर आते हैं छोले, वैसे ही सोख हो जाएंगे वो। तो ये एक ट्रिक आप यूज़ करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने छोलों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, अब मैं इसे कुकर में कुक करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोले कुकर में डाल दिया, उसमें मैंने कुछ गरम मसाले भी डाले हैं। तो 2 दालचीनी, 3 इलायची, 2 लौंग और 2 तेज पत्ता डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और यहाँ पर 2 कप पानी डाल के इसे हम नॉर्मल जैसे छोले बॉयल करते हैं वैसे ही बॉयल कर लेंगे। तो इस बीच में बाकी भी किचन का काम चलता रहता है मेरा। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब वॉश कर रही थी, किचन वगैरह थोड़ा क्लीन कर रही थी, वरना फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। तो यहाँ पर बाकी जो छोटे मोटे कपड़े धोना और ये सब काम वगैरह सब साइड में होता जा रहा है, खाना भी बनता जा रहा है और ये सब काम भी साइड में चलता जा रहा है मेरा। तो यहाँ पर अब मैं एक मसाला बना रही हूँ छोले के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 प्याज छीले हैं, तो 1 प्याज मैं थोड़ा अपना पुलाव में डालने के लिए हूँ। तो उसको बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे स्लाइस कर लेना है हमें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिएगा। तो अब मैं यहाँ पर छोला करी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पॉट रखा है, उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। तो आप रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है, और वो जब गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर जो प्याज 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 हरी मिर्च को डाल दिया है। अब उसको मेरे को सॉफ्ट करना है, जलाना नहीं है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हींग डाला है। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ भरकर। अब इसको अच्छी तरह आपको मिक्स करना है, इसे बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है प्याज को। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो जैसे आपको पता है नमक डालने से प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज वगैरह सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब उसको भी अच्छी तरह हमको फ्राई करना है, बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई करिएगा, जलना नहीं चाहिए। अभी 1 मिनट के बाद यहाँ पर अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें
मसाला डालूंगी, मसाला पाउडर वगैरह। तो यहाँ पर मैं आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर धनिया पाउडर, मीन्स 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर करी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पर काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। तो इन सबको अच्छी तरह आपको मिक्स करना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया है, उसे भी अच्छी तरह मिक्स करिएगा। मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालिएगा, यहाँ पर 1/4 कप पानी डाल दिएगा, देख सकते हैं, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। डाल के इसे अभी आपको ढक के पकाना है जब तक तेल ऊपर आ जाए, मसाले को अच्छी तरह भूनना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर 2 मिनट लग गया और यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है। आप देख सकते हैं सब तेल वगैरह सब ऊपर आने लगा है। तो इसमें मेरे को 2 मिनट लगा है टमाटो वगैरह सब सॉफ्ट होने में। तो यहाँ पर मैंने छोले, थोड़े से छोले मिक्सी में लेकर उसे पेस्ट बना लिया था। तो आप देख सकते हैं वो पेस्ट इसलिए मैंने बनाया ताकि जो इसका ग्रेवी है वो अच्छा थिक आएगा और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और बाकी छोले मैंने नॉर्मल ऐसे ही उसमें डाल दिए। तो थोड़ा सा क्वांटिटी मीन्स आधे कप बॉइल्ड छोलों को आप पीस लिएगा ग्राइंडर में डाल के और उसको पहले डाल दिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो वो करी का जो कंसिस्टेंसी होता है बहुत अच्छा लगेगा, या पूड़ी या छोले भटूरे या राइस किसी के साथ भी खाएंगे उतना ही टेस्टी है खाने में ये। तो ये एक ट्रिक मैंने अभी हाल फिलहाल में यूज़ किया था तो मेरे को बहुत पसंद आया। ऐसे करने से बहुत अच्छा एक टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, यूजुअल छोलों की तरह टेस्ट नहीं आएगा इसका। तो मैंने यहाँ पर अभी आधा कप पानी और एक्स्ट्रा डाला है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और अब इसे हमें 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है उबलने के लिए, ताकि सारे मसाले जो हैं वो छोलों में अच्छी तरह मिल जाएं। तो अभी इसे हम 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पर जस्ट आधा टीस्पून कसूरी मेथी डाली है मैंने इसमें और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाला है, इसे ढक के रख देना है। तो यहाँ पर अब मेरा छोला करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़े से जो अदरक मैंने स्लाइस करके रखे थे वो डाल रही हूँ, 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ, ऐसे डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, तो मैं यहाँ पर फ्रोज़न धनिया पत्ता यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं, और इसे ढक के रख देना है। तो यहाँ पर छोला करी रेडी हो चुका है अब हमारा। तो अब मैं यहाँ पर अपने चावल बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्ट लगेगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, तो यहाँ पर 2 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 2 हरी इलायची ली है। वो जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे भी काट के डाल देना है इसमें। और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, वो डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है हमें। इसका कलर चेंज नहीं होना है, अगर प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हमारे चावलों का भी कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ज़्यादा मत डालिएगा। इसे भी 1 मिनट अच्छी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। इसे भी आप 2 मिनट इसके साथ मिक्स करिएगा। तो यहाँ पर मटर वगैरह बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए जो सोक करके रखे थे। इन बासमती राइस को हमें 1 मिनट इसके साथ फ्राई करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ही फ्राई करिएगा, ज़्यादा हार्ड मत चलाइएगा वरना सारे चावल आपके टूट जाएंगे। तो इसमें मैं 2 कप चावल के लिए 2.5 कप पानी डाल रही हूँ, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है, उसको डाल के अच्छी तरह आप मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद अपनी आंच को तेज पर ही रखिएगा, मतलब फ्लेम अपना हाई पर ही रखिएगा गैस का। अब आप इसमें नमक डालिएगा, तो नमक आप देख के डालिएगा, चावलों में जब नमक डालते तो पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो करेक्ट चावलों में पकड़ता है। अब मैं यहाँ पर 1/2 लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, तो उसको लेमन डालने से क्या होगा कि आपके चावल बिल्कुल चिपके चिपके नहीं बनेंगे, खिले खिले आपके चावल बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा होता है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी है। अब आप इसको हाई फ्लेम पे बॉईल पे लाएंगे और इसको फिर अब आप इसको मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रख कर इसको चावल जब तक फुल डन ना हो जाए तब तक पकाएंगे ढककर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन मेरा पूरा मैसी हो गया है ये खाना, और यहाँ पर चावल बन ही रहे हैं, मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है इसे। तो यहाँ पर खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो अब मैं थोड़ा किचन क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, तो जो भी बर्तन वगैरह हो गए थे धोने के वो सब धो के काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन कर रही थी, वरना लास्ट में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है किचन क्लीन करने में, तो अभी वो एक काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर बच्चों से बोल रही थी थोड़ा घर वगैरह नीट करने के लिए, जो भी मैसी कर रखा है उन लोगों ने। तो अभी मेरा कुकिंग वगैरह सब ख़त्म हो गया है दोपहर का, तो छोले बन गए हैं और चावल मैंने दम पे रख दिए हैं। तो मैंने उसमें एक्चुअली 2.5 कप पानी डाला था, बट आप 2.5 कप पानी डालेंगे तो जैसे ही वो उबलना शुरू होगा तभी आप उसको सिम पे कर दिएगा। मैंने मीडियम पे रखा हुआ था तो क्या हुआ कि पानी जल्दी थोड़ा इवेपोरेट हो गया, तो अब मैंने उसको दम पे रखा हुआ है। तो आप करेंगे तो 2.5 कप पानी डालिएगा 2 कप चावल के लिए, बासमती राइस से जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, और 2 कप चावल में 2.5 कप पानी डाल के जैसे ही वो बॉईल होना शुरू होगा तभी आप उसको सिम पे कर दिएगा, तो आपके परफेक्ट तरीके से चावल पक कर आएंगे। अभी मेरे चावल पक गए हैं पर मैंने थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कसर रह गई है, तो इसलिए मैंने अभी उसे क्या करा है दम पे लगा दिया है, सबसे लो फ्लेम पे तवा रख कर उसके ऊपर जो मेरा पॉट है वो रख दिया है चावल का, और अब 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी तो परफेक्टली होकर आ जाएगा। तो अब घर वगैरह मैंने सब समेट लिया है, हस्बैंड अभी भी काम कर रहे हैं, फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं उनको काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम बोल दिया है, बट अभी बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, तो अभी ऐसी है, तो फिर भी उनको कॉल्स वगैरह आ रहा है। मम्मी मम्मी मम्मा परटे मम्मा परटे सभी को अलग मम्मी कौन पोते ना मारी के तो इसलिए अभी वो काम कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:20, तो थोड़ा खाना वगैरह अभी गर्म है काफ़ी, तो थोड़ा सा वो गर्माहट जो है काफ़ी, बिल्कुल खोलता हुआ खाना भी खाने में टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी, आपको उसका टेस्ट ही नहीं पता चलेगा क्योंकि वो खाना इतना खोल रहा होता है, तो खाने को थोड़ा सा आप ठंडा, मतलब थोड़ा सा उसका जो ये बहुत ज़्यादा जो गर्माहट है वो थोड़ा कम होने के बाद अगर आप उसे खाएंगे ना तो ही आपको उसका जो एक्चुअल टेस्ट होगा ना वही पता चलेगा। तो मेरे छोले तो बनकर रेडी हो गए हैं, तो मैंने उसका ढक्कन थोड़ा सा खोल के रखा है तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और चावल अभी हैं तो थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल से 2 बजे तक हम खाना खाएं, तो अब मैं थोड़ी देर टीवी देखती हूँ अपना बैठ के, तो अभी मेरे को तो कुछ काम है नहीं करने के लिए, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो वो धुल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे चावल सब रेडी हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आए, कोई भी चावल चिपक नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल के लिए 2.5 कप पानी लिया, और फिर जैसे ही वो बॉयल होना शुरू होगा बिल्कुल आप सिम पे रखकर उसको छोड़ दिएगा, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके चावल पक कर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैं सबको खाना वगैरह सब सर्व कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे छोला करी भी थोड़ा ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंसिस्टेंसी आया है उसका, देखिए कितना परफेक्ट बढ़िया लग रहा है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी था ये। तो मैं सबको खाना वगैरह सर्व कर देती हूँ उनका। तो हम लोग जब घर पे जब भी होते हैं तो हमेशा साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, अलग अलग खाना नहीं खाते, मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ जब भी हम लोग, क्योंकि बाकी डेज़ में हमको ऐसा टाइम नहीं मिलता इकट्ठा बैठ के खाने के लिए, रात में भी हस्बैंड अकेले ही खाते हैं, बच्चे लोग पहले खा लेते हैं, तो अभी ये जब से ये क्वारंटाइन शुरू हुआ है हम लोग का तब से हम लोग 3 टाइम साथ बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे अब मैंने सबके लिए खाना वगैरह सर्व कर दिया है, तो यहाँ पर सब लोगों को छोला करी बहुत पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो वो एक्चुअली उन्होंने मुझसे बोला था, बहुत दिन से बोल रहे थे कि शाइनी मटर पुलाव और छोला करी बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो बना लेती हूँ, तो ऐसे ही मैंने ये छोले वगैरह सब बनाए, तो उनको बहुत पसंद आया था खाने में। तो ये छोले एक्चुअली हम चपाती या फिर पराठा पूरी किसी के साथ भी खाएंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, जो मैंने छोले इसमें पीस के डाले हैं इसलिए इसका टेस्ट और भी अच्छा हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना लंच सब सर्व करके मैं भी खाना खा रही हूँ, तो
तो यहाँ पर लंच वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर थोड़ा सा ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, तो हस्बैंड ने कुछ मूवी वगैरह लगाए थे तो हम लोग वो देख रहे थे। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा लंच का व्लॉग पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दिएगा। तो अगले अच्छे से कंटेंट और रेसिपी के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड बी सेफ़।